बहुत बार हमें हमारे बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंट बीमारियों के बारे में ये कहें या डिजीज के बारे में पता करने के लिए हमारे ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं और उन ब्लड के सैंपल्स से ब्लड की डेंसिटी का पता किया जाता है। ब्लड का घनत्व कितना, डेंसिटी कितनी है। ब्लड फॉर एग्जांपल के लिए जितना कहते हैं ब्लड पतला होगा, डेंसिटी कम होगी, उतना बीपी ठीक रहता है, ज्यादा रहता है। और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए उसकी डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। तो एक प्रकार से बीपी को इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए डेंसिटोमीटर उसके डेंसिटी को रीड करने के लिए काम में लेते हैं। डेंसिटोमीटर ब्लड सैंपल्स की डेंसिटी को रीड करने का काम करता है। किस तरीके से करता है इसको हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, इस यहाँ पे एक S1 स्विच की सहायता से सम पर्टिकुलर बैटरी जुड़ी हुई है और यहाँ से एक एनर्जी मिलती है। यहाँ करंट कंडक्ट होता है और वह करंट इस लैंप के थ्रू पास होता है। लैंप में रेजिस्टेंस नेचर के कारण से यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है, जनरेट होता है। यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है, एक कलर की लाइट जनरेट होती है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। और इसमें जो वेवलेंथ है इसकी, वो इस तरीके से रखी जाती है कि उसको हम कांस्टेंट वेवलेंथ के रूप में कह सकते हैं। इस तरीके से उस वेवलेंथ को हमने पास ऑन करना है। ये कांस्टेंट वेवलेंथ जो मोनोक्रोमेटिक सिग्नल जनरेट होता है लैंप के द्वारा, वह पास ऑन किया जाता है। यह पास ऑन एक एपर्चर से पास करते हैं, ये एक हिंड्रेंसेस है, उनके बीच में स्पेस बना हुआ है, एक हॉल है, इसको हम एपर्चर कहते हैं। एपर्चर के माध्यम से जब वो लाइट रेज निकलती हैं तो एक प्रकार से स्ट्रेट लाइट के रूप में मानी जा सकती है। उस समय स्ट्रेट लाइट जब पास ऑन होती है तो उस समय ग्लास स्लाइड्स के बीच में एग्जिस्टेड जो स्लाइडें होती है उनके बीच में ब्लड सैंपल्स को लगा रगड़ के और इन दोनों को स्ट्रेट वर्टिकल साइड में रख देते हैं, जिससे ब्लड सैंपल्स इसके बीच में फंसे रहते हैं। और जब ये लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस जनरेटेड लाइट जो है वो पास ऑन होती है तो उस समय इन ब्लड सैंपल्स की खासियत क्या है, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, पारभासक होते हैं। पारभासक जिसमें से कुछ मात्रा पास हो जाता है, कुछ मात्रा पास नहीं हो पाता, इसको हम ये कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस ब्लड सैंपल्स। ब्लड सैंपल्स कुछ अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और बचा हुआ पास ऑन हो जाता है। जब ये लाइट जाती है और यह एक ऑप्टिकल फिल्टर से होकर के गुजरता है, जब ऑप्टिकल फिल्टर से होकर के गुजरती है लाइट तो वह जो लाइट यहां से पास ऑन होकर के सैंपल के ब्लड सैंपल्स के थ्रू पास ऑन होकर के आई है, एब्जॉर्ब लाइट है, तो वह यहाँ पे फोटो रजिस्टर फोटो डिवाइसेस होती, या तो फोटो रजिस्टेंस होगा, फोटो डायोड होगा, या फोटो ट्रांजिस्टर, किसी एक डिवाइस को काम में लिया जा सकता है। और उसके ऊपर जब लाइट रेज गिरती है तो उससे फोटो कंडक्शन होता है और लाइट सिग्नल जनरेट होता है, करंट कंडक्ट होता है। और उस करंट कंडक्शन को हम स्विचेज S2 की हेल्प से हम माइक्रोमीटर पर रीड कर सकते हैं। और इसको जब रीड किया जाता है तो वहां पे वो जो सिग्नल है बेसिकली उसके वेरिएशन को हम ये कहें कि यहाँ जो करंट कंडक्ट होता है उस करंट सिग्नल के वेरिएशन, यहाँ देखो यहाँ जो रीडिंग करंट है वह उसके वेरिएशन को रीड करके ब्लड डेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रकार से यहाँ जितना ज्यादा ऑब्जर्व होगा उतना ज्यादा डेंसिटी ब्लड की ज्यादा होगी। और हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द ब्लड। और इस तरीके से ब्लड की डेंसिटी को ऑब्जर्व करके बीपी को एक मीटर होता है, उस मीटर में हम ये कहें कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट जैसा होता है, जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस सम सैंपल्स हैं उनके आधार पे उनको कंपैरेटिव स्टडी के जरिए जो आउटपुट्स लेते हैं उनसे ये पता रहता है कि इतनी डेंसिटी पर्टिकुलर, सो मच डेंसिटी पर्टिकुलर जो है उसका इतना बीपी है। और इस तरीके से बीपी मेजरमेंट के लिए और अदर फंक्शनिंग के लिए ब्लड की सैंपल्स की सहायता से हम उसके डेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं।
और यही जो करने का तरीका है वह जिस सिस्टम से काम में लेते हैं उसको हम डेंसिटोमीटर कहते हैं। इस प्रकार से डेंसिटोमीटर ब्लड सैंपल्स को रीड आउट करने के काम आता है। थैंक यू।